गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं कि सीटेट का एग्जामिनेशन कब होगा, 2018 में कब होगी सीटेट। तो ये सारे आंसर के आपको मिलने वाले हैं आज जवाब। 2018 में कब नोटिफिकेशन आएगा और कब एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 2017 में 2017 में ये एग्जाम क्यों नहीं कराया गया। जो सीटेट का एग्जामिनेशन है 2017 में नहीं हुआ, 18 में कराया जाएगा, क्योंकि 2017 में चल रहा था कि एग्जाम जो है ये सीबीएसई नहीं कराएगी। सीबीएसई ना कराकर ये एग्जाम कराएगी एनटीए। अगर आपको एनटीए के बारे में नहीं पता है तो मैं बता दूं, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। ये अब सारे जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे मेडिकल लाइन के जो एग्जामिनेशन होते हैं या तो टीचर के सीटेट सीटेट के एग्जामिनेशन होते हैं, ये सारा जो कंडक्ट है वो एनटीएस ही करेगी, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होगी। इसका काम सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराना होगा। इसी वजह से क्या हुआ था, जो एनटीए के लिए 27 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे और इसका गठन करने की प्रोसेस चल रही थी, उसका गठन अभी तक नहीं हो पाया है। इस वजह से 2017 में सीटेट का एग्जाम नहीं कराया गया। और जो सीटेट का एग्जामिनेशन है, वो हमारे पास ये भी न्यूज आ रही थी कि वो ऑनलाइन माध्यम से कराया जाएगा, जो कि एनटीए अगर एग्जाम को ले कराएगा तो ऑनलाइन माध्यम से होगा, अगर इसे सीबीएसई कराती है तो अभी भी ऑफलाइन माध्यम से ही एग्जाम होगा। तो मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए ये बता देता हूं आपकी सीटेट का एग्जामिनेशन कब होगा 2018 में। तो फ्रेंड्स, हमारे पास कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से और कुछ वेबसाइटों से ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई है, और कुछ कुछ टीचरों से भी बात करने के बाद ये पता चला है मुझे। तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये 2018 में फरवरी में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। फरवरी के जो लास्ट वीक में या मार्च के फर्स्ट वीक में 2018 में ये एग्जाम कराने की सीबीएसई तैयारी कर रही है। और आपके लिए बड़ी न्यूज और बता दूं, बहुत ही बेनिफिशियल न्यूज है ये आपके लिए, कि जो 2018 का एग्जाम है, क्योंकि अभी एनटीए जो है उसका गठन नहीं हो पाया है, तो इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी वो सीबीएसई ही कराएगी। इस वजह से नेचुरली है कि जो आपका मोड होगा एग्जामिनेशन का वो ऑफलाइन मोड होने वाला है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होगा। और ऐसी भी हमारे पास न्यूज चल रही है कि ये साल में दो बार भी कराई जा सकती है, पर ये कोई सर्टेन न्यूज नहीं है अभी कि साल में कितने बार कराई जाएगी, ये पॉसिबिलिटी वाली न्यूज है। बट कुछ ऐसे सोर्स से हमें पता चला है कि फरवरी से मार्च के बिटवीन में ये सीटेट का एग्जाम निकलेगा भी और परीक्षा भी उसी बीच में आयोजित की जाएगी। हो सकता है कि फरवरी के लास्ट वीक में या मार्च के फर्स्ट वीक में ये परीक्षाएं आयोजित कराई जाएं, ऐसा सीबीएसई का कहना है। अभी पर कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिफिकेशन डिक्लेयर नहीं हुआ है, पर बहुत सारी जगह न्यूज़पेपरों में ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अब ये जानना चाहते हैं कि आप सीटेट की प्रिपरेशन कैसे करें, कम समय में आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए या आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए कि आप सीटेट को कम समय में क्लियर कर सको, या कौन सी ऐसी बुक्स पढ़ें आप जो बाल विकास के लिए, या तो मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए क्या बुकें पढ़े, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेनिफिशियल वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। ये इस वीडियो को बनाने में मुझे समय लग रहा है, बिकॉज क्योंकि मैं बहुत से ऐसे लोगों से बात कर रहा हूँ जो सीटेट में टॉपर बने हुए हैं, प्लस मेरी ऐसे टीचर से भी बात चल रही है जो सीटेट के माध्यम से सेंट्रल स्कूल के टीचर बने हुए हैं। तो काफी लोगों से मैं बात कर चुका हूँ ऑलरेडी, और बहुत से लोगों से मेरी बात अभी चल रही है। तो जैसे ही ये सारा डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट कर लेता हूँ, तो आपके लिए बहुत यूजफुल चैनल लेकर आने वाला हूँ। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट न्यूज और देना चाहूंगा मैं, अगर आप सीटेट के अबाउट में मैथ सीखना चाहते हैं या किसी भी टीईटी की मैथ सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारा एक अदर चैनल है, इजी है मैथ, ये जाकर आपको फीचर चैनल में मिल जाता है या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर ये वीडियो आपने पूरा पूरा देखा है तो आपको बहुत 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 धन्यवाद। और आपके लिए मैं जल्दी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आ रहा हूँ, इसमें सीटेट का सिलेबस और आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, मैं ऐसी बुक्स बताने वाला हूँ आपको जिसको आप जान के हैरान हो जाएंगे कि क्या हमें ये बुक पढ़नी थी, अरे ये तो हमारे पास पहले से ही रखी थी। तो वेट करिए मेरे नेक्स्ट वीडियो की। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी वंस अगेन।